हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, किसी व्यूअर ने पूछा था कि सर ये बाय डिंट ऑफ क्या होता है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि बाय डिंट ऑफ क्या है और किस तरह के सेंटेंसेस होंगे। गाइस, बाय डिंट ऑफ, ये जो आप देख रहे हैं बाय डिंट ऑफ, इसका मतलब है ड्यू टू द एफर्ट ऑफ समथिंग, यानी कि आप कुछ ऐसा करते हैं कुछ पाने के लिए। मान लीजिए आपने किसी चीज को अचीव कर लिया, आप सक्सेसफुल बन गए, आप 10th में पास हो गए, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, और क्या करके किया, ड्यू टू द एफर्ट ऑफ आपका जो हार्ड वर्क था और जितनी भी आपने पढ़ाई की, कॉन्सेंट्रेशन दिखाया, इन सब की वजह से, ये सब करके, इसके वजह से, इसके कारण आप पास हो गए। तो उस हार्ड वर्क को, उस फोर्स को, उस आपके एक्टिविटी को जो आपने मेहनत की है, उसको दिखाने के लिए उससे पहले आपको बाय डिंट ऑफ लगाना होगा। अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, अगर आपने किसी को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया है तो बाय डिंट ऑफ रिक्वेस्टिंग, ऐसे आपको दिखाना होगा। तो बाय डिंट ऑफ का मतलब है कि एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी कि आपने कोई काम किया, आपने बहुत मेहनत की, तो उस मेहनत का रिजल्ट क्या आया, आप पास हो गए। तो उस रिजल्ट के तौर पर अगर हिंदी में देखिए तो कभी आएगा के कारण, कभी आएगा के द्वारा, के सहारे। अब जिनको बाय डिंट ऑफ नहीं पता है वो बिकॉज ऑफ कह लेते हैं, ड्यू टू कह लेते हैं, लेकिन बाय डिंट ऑफ इसलिए बना है फ्रेंड्स कि आपको अधिकतर वो एफर्ट दिखाना है। एक्चुअली जो डिंट है, इस डिंट का मतलब ही होता है, अगर हिंदी में देखें तो इस डिंट का मतलब है बल, यानी कि आप उस बल को, उस फोर्स को दिखाते हो, उस एफर्ट को दिखाते हो कि आपने इतना एफर्ट किया किसी काम को करने में। तो बाय डिंट ऑफ आप तब इस्तेमाल करेंगे कि जब आपकी वो लगन, वो मेहनत, वो तपस्या को बिल्कुल दिखाना हो कि यार इस लगन के कारण मैं यहां तक पहुंचा हूं, इस तपस्या के कारण मैंने ये प्राप्त किया है, तो वो दिखाने के लिए आपको बाय डिंट ऑफ लगाना होगा। फ्रेंड्स देखते हैं तो एग्जाम्पल्स क्या है। यहां पर लिखा है आई बिकेम फ्लुएंट इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में फर्राटेदार बन गया बाय डिंट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। अब देख रहे हैं बाय डिंट ऑफ के बाद यहां लिखा है रेगुलर प्रैक्टिस, यानी कि ये जो रेगुलर प्रैक्टिस है, ये कर करके, इसकी वजह से, इस माध्यम से, इसके जरिए, इसके द्वारा, इसके सहारे, ये हार्ड वर्क करके, रेगुलर प्रैक्टिस करके मैं अंग्रेजी में फ्लुएंट बन गया। अगर ये मैं नहीं करता तो मैं फ्लुएंट नहीं बनता। तो आपके अंग्रेजी में फ्लुएंट बनने का जो मेन वजह है, जो मेन कारण है, वो क्या है, वो रेगुलर प्रैक्टिस है। तो इसके रिजल्ट के तौर पे, इसलिए इसका नाम है कि एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ क्या, तो एज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, यानी कि बाय डिंट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। तो ये इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होता तो क्या आप ये फ्लुएंट बन पाते, नहीं बन पाते। आप फ्लुएंट बने रेगुलर प्रैक्टिस के कारण। तो जब भी आप बाय डिंट ऑफ का इस्तेमाल करें तो बाय डिंट ऑफ के बाद वो चीज दिखाइए कि जिसकी वजह से आपको ये सफलता मिली है, उस वजह को, उस जरिया को, उस मींस को दिखाना है आपको, बाय मींस ऑफ, ऐसे भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो समझ में आ रहा है गाइस। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो या तो आप सेंटेंस को सबसे पहले उठाइए, जैसे यहां पर आपने देखा कि आई बिकेम फ्लुएंट इन इंग्लिश, ये क्या है, एक सेंटेंस है। उसके बाद आप लगाइए बाय डिंट ऑफ, जैसे आपने यहां दिखाया बाय डिंट ऑफ, फिर दिखाइए कि क्या, कौन सी मेहनत थी, वो नाउन होगा, अगर वो एक्शन होगा तो जेरेंड रूप में होगा, वर्ब में आईएनजी लगा होगा, तो वो भी नाउन ही कहलाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। कई बार ऐसा होता है कि आप शुरुआत ही बाय डिंट ऑफ से करते हैं दोस्तों, तो आप सेंटेंस से शुरुआत करें या बाय डिंट ऑफ से शुरुआत करें, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। रिकॉर्ड देखते हैं, यहां लिखा है कि शी सक्सीडेड, वह सफल हो गई बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि इस हार्ड वर्क के जरिए, इस कारण से, इस वजह से, ये करके, इसके रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ कि वो सफल हो गई। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करती तो वो सफल नहीं होती। तो शी सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। एक और है, ही गॉट व्हाट ही वांटेड, उसे मिल गया जो उसे चाहिए था, ही गॉट व्हाट ही वांटेड बाय डिंट ऑफ रिक्वेस्टिंग, यानी कि रिक्वेस्ट कर करके उसे वो सब कुछ मिल गया जो उसे चाहिए था। तो बाय डिंट ऑफ के बाद यहां मैंने वर्ब में आईएनजी लगाया है, रिक्वेस्टिंग यानी कि जेरंड फॉर्म है। तो कुछ करके, कि उस जरिए से आपने कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ कर दिया, उस जरिया को,
उस फोर्स को, उस हार्डवर्क को, उस एक्टिविटी को दिखाने के लिए बाई डिंट ऑफ लगाना होगा। एक और देखते हैं, अब यहां पर शुरुआत ही बाई डिंट ऑफ से, कि बाई डिंट ऑफ हिज कन्विंसिंग पावर, यानी कि अपने कन्विंसिंग पावर की वजह से, उसके कारण, उसके द्वारा, उसके सहारे, ही सोल्ड लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, उसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच दिए। उसने प्रोडक्ट्स कब बेचे, कैसे बेचे? By dint of his convincing power, अगर उसके पास ये convincing power नहीं होता, तो क्या वो product बेच पाता? नहीं बेच पाता। एक और है, By dint of working out in the gym, gym में exercise करके, he has become a bodybuilder, वह एक bodybuilder बन चुका है। वो कैसे बना bodybuilder? किस वजह से, किस result के तौर पर bodybuilder बना? तो ये है जी, working out in the gym। तो by dint of working out in the gym, ये काम करके, इस वजह से, इसके जरिए, इसके कारण, इसके सहारे, जो हिंदी आप समझिए गाइस। तो यही था by dint of। तो गाइस जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, आई होप उनके समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।